हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। सबसे पहले एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। कल दिवाली है, अब कल अगर वीडियो लेट आई या फिर अब देखो दिवाली है, थोड़ा बिजी भी रह सकता हूँ, अगर ना आई तो आज ही मैं बोल देता हूँ अपने सारे ऑडियंस को। एंड गाइज, आपको याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले, दो तीन दिन पहले अपने विनर्स को भी अनाउंस किए थे। बहुत सारे विनर्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ विनर्स ने रिस्पॉन्स दिया है बट मैं थोड़ा बिजी चलने की वजह से उनको अभी तक पासेस सेंड नहीं कर पाया हूँ। तो प्रॉब्ली आज रात तक जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया था उनको पासेस सेंड कर दूंगा, और जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कोई नहीं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो सारे पासेस स्टॉक में रहेंगे और इन फ्यूचर गिव अवे होंगे। आज के वीडियो में एक मस्त वाला गिव अवे है तो मजा काफी आएगा। और इसी के साथ गाइज, आज के वीडियो में CWL का, देखो CWL शुरू हो चुका है और टाउन हॉल 10 के लिए आज एक चुम्मेश्वरी मैं अटैक लेके आया हूँ, एक स्ट्रेटजी कमाल की लेके आया हूँ, आप लोगों को काफी हेल्प करेगी CWL। तो लेट्स बिगन गाइज। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है। उसी के साथ आप कुछ भी इन गेम परचेस करते हो, पास वगैरह परचेस करते हो या फिर कोई भी स्पेशल चीज परचेस करते हो, तो प्लीज गाइज शॉप में जाओ, क्रिएटर कोड अड्डा डाल के इस चैनल को एंड इस फैमिली को जरूर सपोर्ट दिखाओ। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले करने गया क्या, जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, दो एक दिन पहले गाइज एक छोटा सा दिवाली का सरप्राइज वीडियो लॉन्च हुआ है क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया के चैनल पे, तो उसे हम देखेंगे। उसको देखते देखते मैं कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगा। सो गाइज, ये है वो वीडियो जो दिवाली स्पेशल आई है क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया के चैनल पे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अभी तक चेकआउट नहीं किया तो करो। और सरप्राइज भी मैं अभी आपको बताता हूँ, सबसे पहले से वो प्ले करते हैं हम लोग। सो क्लैशपुर और वाव, मतलब एनिमेशन काफी अच्छे, मैं पहले भी देख चुका हूँ और मैंने काफी दफा देखे हैं इसको, ये एनिमेशन मुझे सच में बहुत पसंद आया है। अच्छा, क्वीन एरो पकड़ लेती है, स्केलीज। ये शायद ऑटम क्वीन थी जितना मुझे याद आ रहा है, ये जो स्किन है क्वीन का, यार गोल्डन क्वीन स्टैच्यू, कमाल का गोल्डन क्वीन स्टैच्यू है। मेरे पास भी स्टैच्यूज हैं क्वीन के, अगर बाय द वे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो जैसे कि आप ये देख सकते हो, बट ये गोल्डन नहीं है, ये मतलब नॉर्मल क्ले जैसा है। ऑब्वियसली ये वाला भी शायद क्ले का ही होगा, बट उसका जो लुक है वो कुछ और ही है। मतलब कम ऑन सुपर सेल, प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक सेंड कर दो मुझे भी, ताकि मस्त मजा आ जाए। कोई नहीं, तो यही है, सेंड किया है। बट पता है, रीमा में देख रही थी ये वाली वीडियो और उसने मुझे जब बताया ना कि ये जो सीन है, यहाँ पे जो सीन हुआ है कि इसने इसको लास्ट दिवाली में जो गिफ्ट दिया था उसने उसे रिटर्न कर दिया है। आपको पता ही है कि सोन पापड़ी इस मामले में दिवाली में कितना फेमस है, कि मतलब एक्सचेंज हो जाता है। और उसके बाद इवल लाफ्स जो था क्वीन का, वो भी बहुत गजब था। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू फ्रॉम क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया, और काफ़ी अच्छा टीजर लगा मुझे ये वाला। अब गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ ये है कि आप इस वाले वीडियो में भी 15 पासेस जीत सकते हो, मतलब 15 लोग पासेस जीत सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वाले वीडियो पे जाना है, इसके वीडियो पे जाके कमेंट करना है हैशटैग क्लैश वाली दिवाली एंड हैशटैग क्लैशिंग अड्डा, ऑब्वियसली मेरे चैनल का नाम, जिसकी चैनल से थ्रू आप जा रहे हो, और 15 लोगों को गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका मिलेगा। अब लास्ट वाले में तो शायद जितना मैंने देखा 7 या 8 लोगों ने रिप्लाई किया है, बाकी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे भी स्टॉक होंगे मैं उनको इन फ्यूचर गिव अवे कर दूंगा। तो ये सीन है, चलिए अब फटाफट अपने मेन एक्शन की तरफ जंप करते हैं, जो कि टाउन हॉल 10 का स्पेशल स्ट्रेटजी। ओके सो गाइज, ये रहा हमारा पहला अटैक। सबसे पहले आर्मी कॉम्पोजिशन आपसे थोड़ा शेयर करूँ। गाइज, हम यहाँ पे जैप सुई लालो कर रहे हैं। यस, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, जैप सुई लालो। और मुझे लगता है, पता है कि जितने भी आपको ऐसे बेसिस मिलेंगे जहाँ पे मल्टीज जो हैं वो थोड़े बेस के कोर में हो, थोड़े वॉकेबल ना हो, जैसे ये बेस में है, ये मल्टी जो है, एक मल्टी जो है एकदम कोर में है, पूरा आइलैंड बनाया रखा है यहाँ पे, तो वैसे बेसिस पे आपको क्या होता है, देख सबसे पहले टाउन हॉल 10 पे जो फेवरेट आर्मी सबकी है इस वक्त, वो है हाइब्रिड। सब हाइब्रिड करना पसंद करते हैं, बट आप ये वाली आर्मी यूज़ कर सकते हो जिनके मल्टीज़ हैं और मल्टीज थोड़े कोर में हैं। तो सबसे पहले आपको जैप करना है, और जैप आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच क्या है, आपको कहाँ जैप करना है, आपको कहाँ ज़्यादा डिफेंस वैल्यू दिख रहा है, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको कहाँ से अटैक शुरू करना है, उस हिसाब से आप जैप करें। एक मल्टी को ऑब्वियसली आपको जैप करना है, उसके आसपास के डिफेंस वैल्यू आप जैप कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सुई करना है विथ लॉग लॉन्चर। अब आप बोल रहे होगे कि भाई आप सुई लॉग लॉन्चर के साथ क्यों, वॉल रैकर के साथ कर सकते हैं,
या फिर ब्लेम कर सकते हैं किसी एरिया को, नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लॉग लॉन्चर के साथ स्विच करें, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, एट टाउन हॉल 10 जो वॉल्स की लेवल्स होती हैं वो इतनी सचेस नहीं होती है, जो लॉग लॉन्चर जो है ना उनके दो या तीन रोल्स में, लॉग्स में वो आराम से निकल जाती है। उसी के साथ डिफेंस के लेवल्स भी काफ़ी लो होते हैं, तो उनको भी लॉग्स जो हैं वो काफ़ी निकालते हैं, काफ़ी बल्क में उनको निकालते हैं। उसी के साथ गाइज जो लॉग लॉन्चर के अंदर आप दो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है डबल आइस गोलम जो मैं कर रहा हूँ। इस वाले अटैक में मेरी क्वीन जो वो थोड़ी अच्छी फनल नहीं हुई थी, इसकी वजह से मेरी क्वीन थोड़ी बाहर चली गई, बट हमें वो वैल्यू मिल गई थी जो वैल्यू हमें चाहिए थी। एंड उसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा गाइज और एक जो सीसी कॉम्बिनेशन है वो है येटी और एक वैल्करी का, बट वो कॉम्बिनेशन मैं थोड़ा कम रेकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें वैल्यू एज सच नहीं मिलती जितनी डबल आइस गोलम में मिलती है। अभी देखोगे आप ये जो यहाँ पे आइस गोलम की डेथ हुई वहाँ पे फ्रीज हो गया, देखो इन्फर्नो के साथ एक्सबो भी, तो ये काफ़ी इमेंस वैल्यू क्रिएट करता है और आपके हीरोज़ के लिए टैंक भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों इन्फर्नोज गायब हो गए और उसी के साथ अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे लून्स बचे हैं। फ्रीज़ किया हमने, अभी भी हमारे पास एक हेस्ट है, एक हेस्ट है और एक फ्रीज है, तो कितनी आसानी से हमने इस बेस को ट्रिपल कर लिया गाइज। आप देख सकते हो अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बचा है, आप देख सकते हो ऑन द क्लॉक मिनट से भी ज़्यादा। क्लीनअप में कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास मिनियंस है, एक बैकअप विजर्ड है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी। और मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी टाउन हॉल 10 प्लेयर्स हो जरूर CWL में ये वाली स्ट्रेटजी को ट्राई करो। बट कौन से बेसिस पे करोगे वो मैं बताना चाहूँगा गाइज, जिन बेसिस पे मल्टीज जो हैं वो वॉकेबल ना हो, क्योंकि हाइब्रिड जो है ना वो काफ़ी ईजी आर्मी है, उसमें ये आर्मी थोड़ी डिफिकल्ट आर्मी है। इसमें आपको पाथिंग बनानी पड़ती है, अगर आपकी हीरोज फनल नहीं हुए, अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए, तो आपकी अटैक्स जो है वो फंस सकते हैं। जैप तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जैप थोड़ा गलत कर दोगे तो भी दिक्कत आ सकती है, बट हाइब्रिड जो है ना वो बहुत ही ईजी अटैक है। बट ये एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बेसिस में मल्टीज काफ़ी डीप होते हैं क्योंकि सुपर वॉल ब्रेकर नहीं होता, तो आप फंस सकते हो। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट अटैक दिखाता हूं। अब जैसे कि गाइज ये वाला बेस आप देखो, यहां पे दोनों सिंगल हैं और मल्टीज जो है वो कोर में तो है बट दोनों सिंगल हैं, तो ऐसे सब बेसिस पे आप चाहो तो हाइब्रिड कर सकते हो, जैसे इस बेस पे हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अब मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे अपना सीज मशीन भी चेंज नहीं किया और अपना सीसी भी चेंज नहीं किया, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे बेसिस पे सीज बैरक के साथ जा सकते हो, या फिर आप ब्लिम भी कर सकते हो कोर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली आप क्या सोच रहे हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लॉग लॉन्चर के साथ ही गए थे एंड डिसेंट सा रिजल्ट मिला हमें, क्योंकि सिंगल जो है वो हाइब्रिड को ज़्यादा तंग नहीं करता। प्लान हमारा थोड़ा अलग था, मैंने सोचा नहीं था कि जो क्वीन है वो फॉलो नहीं करेगी, क्वीन ने काफ़ी अजीबो गरीब हरकतें की इस वाले अटैक पर, बट फिर भी हम मतलब ओवरऑल ठीक था, मतलब हाइब्रिड इतना स्ट्रांग है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सीसी को हमने यहाँ पे पॉइजन किया, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन था सीसी में जिसको हमने इजीली क्लियर कर लिया और लॉग्स ने काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाला। मैंने था आई थिंक कि मैंने लॉग लॉन्चर थोड़ा गलत ड्रॉप कर दिया था, मेरा एम ये था कि मैं लॉग से एक इन्फर्नो निकाल लूं, बट क्योंकि मेरा लॉग लॉन्चर की पोजिशनिंग जो थी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से मुझे ना ही इन्फर्नो मिल पाया और ना ही वो पाथिंग मिल पाई जिस पाथिंग का मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे हमें फ्रीज करना पड़ा मजबूरन क्योंकि सिंगल जो है वो क्वीन पे लॉक हो गया था, आइस गोलम्स उसके बाद टैंक करने वाले थे मेरे क्वीन के लिए, बट यहाँ पे क्वीन जो है वो कोर में नहीं आई, मतलब वो सिंगल जो है वो नहीं निकल पाए हम। क्वीन जो थी वो ओपनिंग थी वॉल की, अब यही दिक्कत था कि वॉल ओपनिंग्स थे यहाँ पे, वॉल ओपनिंग्स के चलते हुआ क्या कि क्वीन बाहर आ गई ना कि सिंगल पे आई वो। हाइब्रिड हमने शुरू कर दिया, किंग से हमने थोड़ा फनल क्रिएट कर लिया था, वैसे हमने काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी बेस पे, बट फिर भी हमें वो सिंगल की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वो सिंगल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। एक क्वेक था हमारे पास विथ नो रीज़न हमारे पास एक क्वेक था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट वाला सीसी में रिपीट लेके आ गया था। अब आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रेटजी है, हमने सीसी चेंज नहीं किया, स्पेल चेंज नहीं किया, बट फिर भी हमने यहाँ पर ट्रिपल लगा दिया बोर्ड पे। तो जो कुछ हॉक्स बचे थे, अब देखो सीज बैरक की जो हॉक्स होते हैं वो काफ़ी वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं बैक एंड पे, बट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हमने हील किया दो हॉक्स को बचाने के लिए, हमने यहाँ पे हील किया ताकि विजर्ड टार को हम डाउन कर सकें, बम टार भी डाउन हो जाएगा। एंड कोर में जो हीरोज़ थे वो बचे थे, हमने फ्रीज़ किया था वहाँ पे भी ताकि हीरोज़ को हम डाउन कर सकें, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर भी किंग एबिलिटी थी हमारे पास, क्वीन एबिलिटी थी, टाइम का भी कोई इशू नहीं था और एक विजर्ड था हमारे पास एज अ बैकअप, तो हमने इस बेस को भी एक तरीके से बोल सकते हैं तो क्लियरली आराम से ही निकाला। किंग एबिलिटी हम यहाँ पे यूज़ करके फटाफट एनिमी क्वीन को हम डाउन कर लेंगे एंड उसी के साथ एनिमी किंग को भी डाउन कर लेंगे। अब क्योंकि लॉक्स ने सारे के सारे वॉल्स को ओपन कर दिया था तो क्वीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन जो है ये पूरा बेस जो था उसके बाद क्वीन के लिए वॉकेबल था। और मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस कि आप उन्हीं बेस पे हाइब्रिड करो जहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं, डिफेंसेज जो हैं वो वॉकेबल हो, क्योंकि वॉकेबल नहीं होंगे ना तो क्वीन प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेक नहीं होता, आप जंप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे हाइब्रिड में फॉर श्योर। तो यहाँ पे ये बोर्ड में हमने ट्रिपल लगाया, बट मतलब
प्रॉब्लम में थे हम, ये तो सही है। अब गाइस ये फाइनल अटैक में आपको दिखाऊंगा कि कितना डोमिनेटिंग है ये अटैक। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं दोनों इन्फर्नोस को एक साथ जैप कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया। इसका रीजन ये था कि मेरा प्लानिंग थोड़ा अलग था। मैं यहाँ पे ये एक एक्सबो डाउन करना चाहता था विद द जैप। इसका रीजन ये था कि जो मेरा लॉक की पाथिंग थी उसमें ये मल्टी भी आता, सेकेंड एक्सबो भी आ जाता, बट दोनों एक्सबोज नहीं आते, तो हीरोज को काफ़ी डैमेज लेना पड़ता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक्सबो को टारगेट किया, तो ये एक्सबो हमने निकाल लिया और हमने थोड़ा एयर डिफेंस को भी डैमेज दे रखा था वहाँ पे। उसके बाद हमने सेम टू सेम वही चीज़ रिपीट की कि हमने अपने दोनों के दोनों बेबी ड्रैगन्स ड्रॉप किए ताकि थोड़ा फनल सेट हो जाए। पॉइजन हमने अर्ली किया ताकि थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट भी करें और थोड़ा स्लो डाउन भी कर दें इस इलेक्ट्रो ड्रैगन को। लॉग लॉन्चर आता है बैक साइड से, किंग आ रहा है फॉर द टैंक, और लॉग लॉन्चर को टैंक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गलती से आप लॉग लॉन्चर को पहले ड्रॉप मत कर देना, क्योंकि अगर किंग टैंक नहीं करेगा लॉग लॉन्चर के लिए फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉग लॉन्चर को अच्छा टैंक मिल रहा था, किंग जो है वो आगे बढ़ता हुआ और उसी के साथ क्वीन जो है वो पुश कर रही थी। किंग की एबिलिटी यूज़ करके हमने यहाँ पे क्वीन को निकाल लिया। और उसके बाद आप देखेंगे गाइस कि आइस गोलम की क्या वैल्यू है। थोड़ी देर पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप आइस गोलम क्यों यूज़ करेंगे, और ये है रीज़न कि आप आइस गोलम क्यों यूज़ करेंगे। आइस गोलम आप इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आइस गोलम्स जो हैं वो बहुत अच्छा टैंक प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्वीन, और क्वीन जितना बेस में डीप पुश कर पाएगी उतनी की डिफेंसेस जो है वो निकाल सकती है। इस वाले केस में आप देख सकते हो कितने सारे डिफेंस वैल्यू मिलेंगे आप हीरो से। थोड़ी देर में आप देखेंगे आइस गोलम अब मल्टी को टारगेट कर रहा है, क्वीन बिल्कुल सेफ है, कोई पॉइंट डिफेंस क्वीन पे लॉक्ड नहीं है। मल्टी है बट मल्टी का डैमेज काफ़ी कम होता है और क्वीन को इतना टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक्सबो जो है वो भी लॉक है ऑन द आइस गोलम, और मल्टी को काफ़ी स्लो कर रखा है यहाँ पे आइस गोलम ने, और दोनों मल्टीज दोनों जो आइस गोलम से वो बखूबी यहाँ पे टैंक कर रहे हैं। लालो मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अब ज़्यादा देरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमें डिजायर्ड वैल्यूज़ चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पे एक्सबो भी निकाल रही है क्वीन, उसके बाद टेस्ला पे टारगेट करेगी। अभी देख सकते हो कि कितनी अच्छी फ्रीज वैल्यू हमें वहाँ पे मिली फॉर द आइस गोलम, और यहाँ पे हमारे लालो जो है वो काफ़ी अच्छा पुश कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ वो ले रहे हैं ताकि सारे डिफेंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो। लून्स जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं अपना। अभी तक हमने यहाँ पे अपने हेस्ट और अपने फ्रीजेस जो है वो यूज़ नहीं किए हैं। फर्स्ट फ्रीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि वो जो विजर टार है उसको हम फ्रीज कर सके, क्योंकि विजर टार जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो स्लैश में डैमेज करते हैं सारे लून्स को। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेस में सच कुछ नहीं बचा, एक दो पॉइंट डिफेंस बचे हैं जो कि मैक्सिमम ग्राउंड वाले हैं, और अभी हमारे पास दो फ्रीज और एक हेस्ट बचा हुआ है, और हमने इस बेस को एक तरीके से पूरा क्रश किया है गाइस। कोई भी यहाँ पे अब डिफेंस बचा नहीं है और इतने सारे लून्स बचे हमारे पास। क्वीन यहाँ पे डाउन हो जाती है क्योंकि दो बम थे, शायद जाइंट बम्स थे वहाँ पे, जो एक्सप्लोड होने की वजह से हमारी क्वीन मर जाती है, बट फिर भी क्वीन ने अपना काम किया है और इतनी अच्छी यहाँ पे ट्रिपल हमें निकाल के दी है क्वीन ने। सो गाइज यही था आज का वीडियो, आई होप श्योर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका टाउन हॉल 11 का भी एक अच्छा वर्जन है जिसको जिसपे हम काम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। अब देखो टाउन हॉल 11 पे तो हाइब्रिड एकदम चुम्मा है, बट फिर भी कुछ बेसिस पे हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अब वहाँ पे तो ये भी नहीं बोल सकता मैं कि मल्टीज़ जो है वो वॉकेबल ना हो क्योंकि आपके पास सुपर वॉल ब्रेकर है, बट फिर भी फॉर ए फन हम जरूर ट्राई करेंगे। कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।